सो गाइस बात करने वाले हैं OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। OnePlus ने अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट किया है और उसके साथ दोस्तों उसने किया है ऑक्सीजन OS 12 का और एंड्रॉइड 12 का अपडेट रोल आउट किया है। तो दोस्तों ऐसे में कौन से स्मार्टफोन है जिनके अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिले हैं और इन फ्यूचर के अंदर OnePlus के कौन से स्मार्टफोन के अंदर ऑक्सीजन OS 12 का और एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में डेफिनेटली आपको कंफर्म जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को कुछ भी लगे लाइक कीजिए, वीडियो में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर अपन बात करने वाले हैं OnePlus के स्मार्टफोन के बारे में। OnePlus ने कौन से स्मार्टफोन के अंदर नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट किया है, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। OnePlus ने OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के लिए नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने को मिल चुका है। अगर आपके पास OnePlus 9 या फिर OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली ये आप अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मिल गया है तो नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट कर लीजिए, और अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो दोस्तों आप अपने फोन सेटिंग के अंदर जाइए, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिला, वहां पर आप चेक कीजिए, डेफिनेटली आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों OnePlus एलिज करता है कि इसमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर कैमरा इंप्रूव किया गया है उसके अंदर, उसके बाद दोस्तों ब्लूटूथ को इंप्रूव किया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के अंदर नवंबर अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इस अपडेट के साथ OnePlus ने OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro यूजर्स के लिए ऑक्सीजन OS 12 का सेकंड वाला बीटा अपडेट भी रोल आउट कर दिया है। अगर दोस्तों आप OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के बीटा यूजर हैं तो डेफिनेटली ये अपडेट आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं OnePlus के कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको कलर OS 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। वहां पर मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट में बताया कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर कौन सा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro के अंदर आपको पब्लिक बीटा सेकंड अपडेट देखने को मिल चुका है ऑक्सीजन OS 12 का, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर। उसके बाद दोस्तों हाल ही में कल OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन के लिए भी आपको ऑक्सीजन OS 12 का बीटा अपडेट रोल आउट कर दिया है, और उसके बाद दोस्तों OnePlus 7T Pro, उसके बाद दोस्तों OnePlus 7T, उसके बाद 7T 7 Pro, उसके बाद दोस्तों 7, उसके बाद OnePlus Note 2 5G, उसके बाद OnePlus Note 2 CE 5G, उसके बाद OnePlus Note 5G। ये ऐसे स्मार्टफोन है जिनके अंदर आपको बहुत जल्द आपको इसी 2021 और 2020 के मंथ के अंदर ये आपको ऑक्सीजन OS 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको OnePlus एंड्रॉइड 12 का अपडेट रोल आउट करेगा। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर भी कन्फर्म एक लिस्ट जारी कर दी है OnePlus ने, वो भी दोस्तों मैं आपके सामने बताता हूँ कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर OnePlus 7 सीरीज के स्मार्टफोन, जो भी स्मार्टफोन है उन स्मार्टफोन के अंदर, उसके बाद दोस्तों OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन, उसके बाद OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन, उसके बाद दोस्तों OnePlus Nord, OnePlus Nord 2, उसके बाद OnePlus Nord C, उसके बाद OnePlus Nord N200। ये ऐसे सारे स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको Android 12 का और Oxygen OS 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, और इन्हीं स्मार्टफोन के अंदर बहुत जल्द आपको नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलने वाला है, और कुछ स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है जैसे कि OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro। बाकी दोस्तों आपके पास OnePlus का कौन सा स्मार्टफोन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इस वीडियो में यही था, वीडियो में कुछ लगा लाइक कीजिए, वीडियो में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू।